चैप्टर 18। जीवन विकास में सबसे बड़ा दुश्मन कौन? मनन स्कूल से घर आया और रोते रोते मां से कहने लगा, आज मुझे क्लास टेस्ट में बहुत कम नंबर मिले। इस पर मेरे मित्रों ने मेरी हंसी उड़ाई कि यह तो गरीब घर का लड़का है, पढ़ाई में कमजोर है तो अच्छे नंबर कैसे लाएगा। मां ने मनन को सांत्वना देते हुए कहा, हम गरीब है या एक इम्तिहान में नंबर कम भी आ गए तो क्या हो गया। तू तो जानता ही है कि लाल बहादुर शास्त्री भी गरीब थे, फिर भी उन्होंने प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया था। हमारे पड़ोसी डॉक्टर एसएससी में 3 बार फेल होते हुए भी डॉक्टर की डिग्री हासिल करके ही रहे। तुम भी जो बनना चाहो वह बन सकते हो, तुम्हारे भीतर भी तमाम शक्तियां हैं, लेकिन तुम्हारी लघुता ग्रंथि के कारण वे प्रकट नहीं हो पाती। हमारी प्रगति को रोकने में अगर कोई बाधक है तो वह है लघुता ग्रंथि, वरना तो पूरी दुनिया को हिलाने की शक्ति एक इंसान में भरी पड़ी है। हमारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वह लघुता ग्रंथि है। मुझे यह नहीं आता। अरे क्यों नहीं आएगा? शिक्षक का विनय करे, पुस्तकें पढ़े, जिसे आता है उसे पूछे तो क्यों नहीं आएगा? नहीं आता यह भूत मन से निकल जाए तो सब आ जाए। प्रगति में यही सबसे बड़ा अंतराय है। मुझे सब कुछ आएगा ही ऐसा निश्चय करके उसे सिंसियर रहोगे तो तमाम शक्तियां तुम्हारे अंदर से ही प्रकट होगी। शक्तियां कहीं बाहर से नहीं लानी है, तुम्हारे भीतर ही आत्मा है और वह आत्मा ही परमात्मा है। भगवान महावीर, भगवान राम व गांधी जी, ये सभी महापुरुष भी कभी तुम जैसे बालक ही थे, लेकिन उनमें लघुता ग्रंथि नहीं थी, इसलिए वे महान बन सके। तुम इस इम्तिहान में फेल हुए इसलिए सब हंसे। इस अपमान को तुम पॉजिटिव लो और निश्चय करो कि मैं पास होकर ही रहूंगा, और वह भी बिना ट्यूशन के। दूसरी प्रवृत्तियों में से ध्यान हटाकर अभ्यास में ध्यान केंद्रित करो। अभी पढ़ने की उम्र है तो पढ़ने में ही चित रखो। बाकी सभी प्रवृत्तियां करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे तो तुम्हारा पूरा जीवन संवर जाएगा। अतः मन से यह बात निकाल ही दो कि मुझे नहीं आता, मुझे याद नहीं रहता, मैं गरीब हूं, कमजोर हूं। कोई चीज मुश्किल नहीं है, सही समझ के साथ मेहनत करें तो सब कुछ आ जाता है। फर्स्ट आने वाला बच्चा कोई मां के गर्भ में से सीखकर थोड़े ही आता है। हमारा निश्चय अड़िग हो और उस पर सिंसियर होकर तमाम प्रयत्न करें तो कुदरत सफलता देगी ही। इस बारे में ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान क्या कहते हैं कि जब हम हमारे कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं, लालच में फंस जाते हैं, बुरी संगत रखते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो ऐसी कई गलतियों की वजह से लघुता ग्रंथि जन्म लेती है। गलतियां तो महापुरुषों से भी होती है, लेकिन गलती को स्वीकार करके प्रायश्चित करने से और फिर से ऐसी गलती न हो ऐसा दृढ़ निश्चय करने से उन दोषों से मुक्त हो सकते हैं। महान पुरुष कैसे महान बन पाए, इस संदर्भ में उनके जीवन चरित्र को पढ़ने से हमारी लघुता ग्रंथि टूट सकती है। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सबसे होशियार हूं, ऐसी गुरुता ग्रंथि भी विकास में अवरोधक है। ऐसे लोग दूसरों से कुछ जानने की या कुछ प्रेरणा लेने की जरूरत ही महसूस नहीं करते, इसलिए दूसरों से कुछ सीखने के सभी रास्ते वे बंद कर देते हैं।
जबकि महान पुरुष तो प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक घटना में से कुछ न कुछ सीखकर, उनमें से कुछ न कुछ बोध ग्रहण करके महान बने हैं। गुरुता ग्रंथि के कारण जाने अनजाने औरों का तिरस्कार हो जाता है। दूसरे सब कमजोर है, मैं ही होशियार हूं, इस तरह दूसरों को अपने से कम बुद्धि वाले मानने से हमारी बुद्धि पर आवरण आते हैं और हमारे सर्वांगीण विकास में बाधाएं खड़ी हो जाती है। इस प्रकार जीवन विकास में लघुता ग्रंथि और गुरुता ग्रंथि दोनों ही बाधक है, अतः दोनों ग्रंथियां निकाल देनी चाहिए और नॉर्मालिटी में आ जाना चाहिए, तभी हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है। नॉर्मालिटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ, अबो नॉर्मल इज पॉइजन, बिलो नॉर्मल इज पॉइजन। यह सुनकर मनन का व्याकुल मन शांत हुआ और उसने निश्चय किया, मैं अब इम्तिहान में अव्वल नंबर प्राप्त करके ही रहूंगा। हाइलाइट्स: जीवन विकास में लघुता ग्रंथि और गुरुता ग्रंथि दोनों ही बाधक है। कपट निलोभनी